डायबिटीज दो प्रकार की होती है। सबसे पहले तो ये ग्रंथियों की दिक्कत है, इट इज एन एंडोक्राइनोपैथी। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, वन इज टाइप 1 डायबिटीज, सेकंड इज टाइप 2 डायबिटीज। और भी विश्लेषण है डायबिटीज के, बट जनरली जो हम इनकाउंटर करते हैं डे टू डे में, जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स, दे आर कमिंग अंडर आइदर टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 मतलब जन्मजात होती है, वंशानुगत होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है। जनरली जो यंग एज में डायबिटीज पता पड़ती है 15, 16, 17, 18, 19 साल में, इसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। इसमें जो हमारा पैनक्रियास होता है, पाचक ग्रंथि होती है, उसमें संपूर्ण तरीके से जो बीटा सेल्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं या तो होते ही नहीं है। इस चक्कर में शरीर के जो अंदर का इंसुलिन होता है वो बनता नहीं है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में जनरली पेशेंट्स जो होते हैं हमारे, उसको हम इंसुलिन पे रखते हैं। दूसरी प्रकार की डायबिटीज़ जो होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना चालू होता है। जो हमारी पाचक ग्रंथि होती है, जो हमारा पैनक्रियास होता है, उसमें या तो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या तो टूटना चालू हो जाते हैं, या बिकॉज ऑफ एजिंग वो कम होना चालू हो जाते हैं। इस कारण जो शरीर के अंदर इंसुलिन बनना चाहिए वो बनता नहीं है, और जो हम खाना खाते हैं, जो भी हमारा सेवन रहता है, उसके कारण जो शरीर में शक्कर बनती है या जो कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो हमारा इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता है। तो मरीज फिर अपनी बड़ी शक्कर के साथ और उसके संबंधित लक्षणों के साथ ओपीडी में मौजूद होता है।